हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर का पार्ट 6 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में बड़े ही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज एंड सेकेंड टॉपिक होगा फ्री कंसेंट। ये दो टॉपिक्स हम आज के इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। यानी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में हम ये पढ़ते हैं दोस्तों, कौन कौन पर्सन या तो फिर कौन कौन पार्टीज कैपेबल है एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, वो सारा कॉन्सेप्ट हम कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज में पढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट हम कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मीनिंग देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन कैपेबल है और कौन पर्सन कैपेबल नहीं रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, ये सारा डिटेल टॉपिक्स हम देखेंगे दोस्तों। सो चलिए पहले मीनिंग से शुरुआत करते हैं, मीनिंग देखेंगे दोस्तों। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और एंटिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। द कैपेसिटी ऑफ पार्टीज यानी दोस्तों, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब होता है ऐसे इंडिविजुअल्स या तो फिर ऐसे एंटिटी जो कैपेबल है लीगल तौर पे, जो भी कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, वो सारा पढ़ते हैं हम दोस्तों कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का सिंपल मतलब कि ऐसे कौन कौन से इंडिविजुअल्स होते हैं, जो ऐसे ऐसे कौन से कंपनीज होते हैं जो कैपेबल होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, वो सारा आप कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में पढ़ते हो दोस्तों। ये हो गया दोस्तों हमारे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मीनिंग दोस्तों। अब सेकंड क्या है देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द एक्ट द पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ दे मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। जो नीचे ये तीन क्राइटेरिया दिया गया है, अगर तीनों क्राइटेरिया को अगर पास करेगा वो पर्सन, तो पर्सन कैपेबल है एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। यानी जो तीन नीचे क्राइटेरिया दिया गया है, अगर वो तीनों क्राइटेरिया पास करेगा पर्सन, तो वो कैपेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। अब ये तीन क्राइटेरिया क्या है, चलिए वन बाय वन देखेंगे दोस्तों। जिसमें हमारा फर्स्ट है, They have reached the age of the majority. So, जो person contract बना रहा है, age of majority pass होनी चाहिए। ये contract act जो है 1872 contract act में दोस्तों, Indian contract में कुछ section में minimum age 18 बताया गया है और कुछ section में 21 मिनिमम एज बताया गया दोस्तों। सो ये 18 या तो फिर 21 एज जब क्रॉस करेगा पर्सन, वो कैपेबल बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। उसके बाद सेकंड है दोस्तों, दे आर ऑफ साउंड माइंड। जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, वो पर्सन साउंड माइंड होना चाहिए, यानी उसका दिमागी संतुलन अच्छा होना चाहिए। वो अगर उसका दिमाग सही नहीं रहेगा, वो अगर पागल रहेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। उसका दिमाग अच्छे से, उसको कॉन्ट्रैक्ट समझने आना चाहिए और उसका दिमाग अच्छे तरह से काम करना चाहिए, वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। उसके बाद थर्ड है, दे आर नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी लॉ। जो और दूसरे कानून रहते हैं, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कानून हो गया, या तो फिर और दूसरे जो भी लॉज रहते हैं, वो लॉ से वो पर्सन डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। अब जैसे दूसरे लॉ ने कोई पर्सन मर्डर किया सो रहता है, मर्डर किया सो उसके ऊपर चार्जेस लेते हैं, वो लॉ से डिस्क्वालीफाई होता है। सो ऐसे पर्सन भी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। समझ लीजिए, तीन क्राइटेरिया क्या है, एक तो एज क्रॉस होनी चाहिए, दूसरा उसका दिमागी संतुलन अच्छा होना चाहिए, तीसरा वो कोई भी लॉ से डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, ऐसे पर्सन कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं दोस्तों। समझ गए, ऐसे पर्सन, ये तीन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, द पर्सन हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सो ऐसे कौन से पर्सन होंगे, ऐसे कौन से बंदे हो सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। सो जो तीन क्राइटेरिया उसका ऑपोजिट, फर्स्ट है माइनर्स। माइनर्स यानी जिसकी एज मेजोरिटी से नीचे है, यानी 18 साल से या तो फिर 21 साल से जो पर्सन नीचे है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। सेकंड है द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड यानी जिसका दिमागी संतुलन सही नहीं है, जो दिमागी तौर से अच्छा कुछ समझ नहीं सकता, या तो फिर जो ड्रंकड मैन रहता है, जो अच्छे चीजें समझ नहीं सकता, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। उसके बाद थर्ड है पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय अदर लॉस। जो दूसरे लॉस रहते हैं, उससे जो भी पर्सन डिस्क्वालीफाइड रहता है,
वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। अब जैसे कोई इंस्टॉलमेंट हो जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले एक पर्सन को इंस्टॉलमेंट घोषित कर सकते हैं कि ये और कुछ कर्जा नहीं पे कर सकता, बोल के वो इंस्टॉलमेंट पर्सन लॉ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। या तो फिर कोई क्रिमिनल ऑफेंस वाला कोई लॉ नहीं बना सकता, जो मर्डर केस वाला कोई लॉ नहीं बना सकता। सो जो दूसरे लॉ से जो भी डिस्क्वालिफाइड पर्सन रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते दोस्तों। सो इस टॉपिक में हमने क्या समझा, ऐसे तीन पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, वो हमने ये टॉपिक में समझा दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, यानी ऐसे कौन से पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं और कौन से पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, हमने ये टॉपिक में डिटेल समझा दोस्तों। सो चलिए दोस्तों आज का हमारा सेकेंड टॉपिक होगा फ्री कंसर्ट। फ्री कंसर्ट भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सो चलिए अच्छे से समझेंगे दोस्तों। ये फ्री कंसेंट जानने से पहले ये कंसेंट क्या होता है पहले वो समझ के उसके बाद फ्री कंसेंट देखेंगे दोस्तों। ये ऊपर आपको कंसेंट का मीनिंग दिख रहा होगा, टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसर्न्ड व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। सो दोस्तों कंसेंट जब कहलाया जाएगा जब दो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, दो पर्सन एक ही चीज पे एक ही टाइम पे जो चीज पे एग्री करते हैं तो उसे कहेंगे दोस्तों हम कंसर्न। यानी जब दो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, दो पर्सन सेम टर्म्स पे सेम कंडीशंस पे सेम थिंग पे एग्री करते हैं उसे कहेंगे दोस्तों हम कंसर्न। यानी एग्जाम्पल दूंगा मैं दोस्तों, एक कार का प्राइस है 1 लाख रुपीज, बेचने वाला भी 1 लाख रुपीज में ही बेचना चाहता है और खरीदने वाला भी 1 लाख रुपए में खरीदना चाहता है। So, दोनों के टर्म्स एंड कंडीशन मैच हो रहे हैं तो उसे कहेंगे हम दोस्तों हम कंसर्न्ड। अब फ्री कंसर्न्ड क्या होता है, हमने कंसर्न्ड का मीनिंग जान लिया, अब फ्री कंसर्न्ड क्या होता है चलिए देखते हैं। कंसर्न्ड इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। सो कंसर्न जब फ्री कहलाया जाएगा, जब ये जो नीचे पांच चीजें हैं उन चीजों से उसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसे कॉज नहीं करेगा, तब उसे हम फ्री कंसर्न कहेंगे। ये पांच चीजें क्या है सर, फर्स्ट है कॉर्शन, सेकंड है एंड्यू इन्फ्लुएंस, थर्ड है फ्रॉड, फोर्थ है मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फिफ्थ है मिस्टेक। समझ गए दोस्तों, कंसर्न होता है दो पार्टीज एक ही चीज पे हाँ कहती है अग्री करती है उसे कहते हैं कंसर्न। फ्री कंसर्न यानी जब वो कंसर्न तब फ्री कहलाया जाएगा जब दोनों पार्टीज एक ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करेंगे, जब ये पांच चीजों से अफेक्ट नहीं करेंगे। चलिए वो पांच चीजें डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है दोस्तों कॉर्शन। कॉर्शन का मतलब होता है जब जैसे दो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है जिसमें से एक पार्टी दूसरे पार्टी को क्या करती है, प्रेशर डालती है या तो फिर फोर्स करती है, ब्लैकमेल करती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बना के दे, वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करे, उसे कहते हैं दोस्तों हम कर्शन। कर्शन में क्या होता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी पे फोर्स करती है, प्रेशर डालती है या तो फिर ब्लैकमेल करती है, उसे कहते हैं हम दोस्तों कर्शन। सेकेंड है दोस्तों अंड्यू इन्फ्लुएंस। अंड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है, एक पार्टी बहुत ही पावरफुल होती है, एक पार्टी कमजोर होती है। सो पावरफुल पार्टी क्या करती है, दूसरी कमजोर पार्टी को प्रेशर डालती है, फोर्स करती है, ब्लैकमेल करती है, इकोनॉमिक प्रेशर डालती है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट बना के दे, तो उसे कहेंगे दोस्तों हम अंड्यू इन्फ्लुएंस। इसका एक एग्जाम्पल दूंगा, एक बिजनेसमैन बड़ा है और एक फार्मर है, फार्मर की जमीन वो हड़पना चाहता है तो उसे क्या करेगा, फार्मर को प्रेशर डाल के उसकी जमीन हड़पने की कोशिश करेगा, तो उसे कहेंगे दोस्तों अंड्यू इन्फ्लुएंस। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में पार्टी स्ट्रांग होती नहीं क्या नहीं होती, लेकिन अंड्यू इन्फ्लुएंस में एक पार्टी स्ट्रांग होती है। थर्ड है दोस्तों फ्रॉड। फ्रॉड में क्या होता है, एक पार्टी जानबूझकर दूसरी पार्टी को जो भी कॉन्ट्रैक्ट में स्टेटमेंट्स है गलत स्टेटमेंट बनाया है या तो फिर स्टेटमेंट छुपाने की कोशिश कर रहा है या तो फिर सामने वाले को बता नहीं रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में ये स्टेटमेंट्स है, जानबूझकर कर रहा है, अनजाने में नहीं है, जानबूझकर उसे धोखा देना चाहता है, तो उसे कहेंगे दोस्तों हम फ्रॉड। उसके बाद हमारा फोर्थ है दोस्तों मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब अनजाने में या तो फिर इनोसेंटली, अनजाने में या तो फिर इनोसेंटली एक पार्टी से गलती हो रही है, एक पार्टी गलती से क्या कर रही है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं, फैक्ट्स लिखे हैं, अनजाने से छुपा रही है या तो फिर उसे मिस्टेक हो गई वो छुपाने में या तो फिर बताने में सामने वाली पार्टी को कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा है, अनजाने में, मिस्टेक से, अनजाने में, यानी ये जानबूझकर नहीं कर रहा है, अनजाने में उसके नेगलिजेंस की वजह से ये हो रहा है, तो उसे कहेंगे दोस्तों हम मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड में जानबूझ के हो रहा था, मिस रिप्रेजेंटेशन में अनजाने में हो रहा है। उसके बाद लास्ट है दोस्तों मिस्टेक। मिस्टेक यानी एक पार्टी से या तो फिर दोनों के दोनों पार्टीज में मिस्टेक हो रही है कॉन्ट्रैक्ट बनाने में या तो फिर स्टेटमेंट्स लिखने में, फैक्ट्स लिखने में, एक पार्टी या तो फिर दोनों पार्टी से मिस्टेकली हो रहा है, तो उसे कहेंगे दोस्तों मिस्टेक।
ये थे दोस्तों हमारे पांच चीजें। अगर ये पांच चीजों से अफेक्ट नहीं करके जो भी बनता है तो उसे कहेंगे दोस्तों फ्री कंसर्न। समझ गए दोस्तों फ्री कंसर्न का टॉपिक। आई होप आपको फ्री कंसर्न का भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने दो टॉपिक्स पूरे डिटेल में ये दो टॉपिक्स देखे दोस्तों। और आप जानते ही हो दोस्तों हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस सब्जेक्ट की मिल जाएंगी दोस्तों। और इसके पहले के जितने भी पांच पार्ट मैंने कर दिए थे उन पांचों पार्ट के मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद एक वीडियो आएगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा दोस्तों। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।